हे गाइस, प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हर। और आज हम देखने वाले बच्चों डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नोच। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो ना देखा हो डिफरेंस बिटवीन नोच एंड वियर, तो जल्दी से जाके देख लीजिए। तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। और याद रखें, ये काफ़ी पूछा जाता है आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो अच्छे से करना है। चलो ध्यान रखें और स्टार्ट करें। मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है बच्चों एक रेक्टेंगुलर नोच। काफ़ी तरह की नोच होती है, कल हमने देखी है कि रेक्टेंगुलर होती है, ट्राइंगुलर, ट्रेपेजोडियल, फिर स्टेप्ड नोच भी होती है, और उसके काफ़ी हमने टर्म भी अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो ना देखा हो तो जल्दी से जाके देख लीजिए। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर नोच कंसीडर की है। यहाँ पे इसका क्रेस्ट लेवल है। क्या है इसका क्रेस्ट लेवल है? अगर आपको समझना है ये टर्म क्या है तो लास्ट वीडियो देखना ज़रूरी है। ये क्रेस्ट लेवल है और ये इसके क्या है लेंथ ऑफ नोच विच इज़ कैपिटल है। और ये जो क्रेस्ट लेवल है वहाँ से जो वाटर सर्फेस है, क्या है वहाँ से जो वाटर सर्फेस है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल एच। क्या लिया है मैंने? कैपिटल एच, यानी कि क्रेस्ट से द हाइट अबोव क्रेस्ट लेवल टू वाटर सरफेस इज कैपिटल एच। फिर मैंने लिए एक छोटी सी स्मॉल स्ट्रिप जिसकी थिकनेस है स्मॉल डी एच। और ये जो मैंने स्मॉल स्ट्रिप ली है बच्चों, उसका जो डिस्टेंस है वाटर सरफेस से स्मॉल एच है। क्या है बच्चों? वाटर सरफेस से स्मॉल एच है। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका हम लेंगे पहले एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया क्या होगा? एल जितनी लेंथ और डी एच जितनी थिकनेस। एल जितनी लेंथ, डी एच जितनी थिकनेस। हम जानते हैं थियोरेटिकल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? रूट टू जी एच। क्या होती है? रूट टू जी एच। और डिस्चार्ज हमें फाइंड करना है थ्रू अ स्मॉल स्ट्रिप विच अ स्मॉल स्ट्रिप, यानी कि उसका जो डिस्चार्ज होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, यानी कि स्मॉल डी क्यू। स्मॉल डी क्यू इक्वल टू सी डी। सी डी इज नथिंग बट योर कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज। क्या है? कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज। नाउ सी डी इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप इंटू थियोरेटिकल वेलोसिटी। नाउ डी क्यू इक्वल टू सी डी। एरिया अभी ही हमने फाइंड किया एल इंटू डी एच। और थियोरेटिकल वेलोसिटी क्या है बच्चों? रूट टू जी एच। क्या है? रूट टू जी एच। अभी कुछ नहीं करना, ये जो मिला हमें बच्चों दिस इज अ डिस्चार्ज फॉर अ स्मॉल स्ट्रिप। पर हमें तो फाइंड करना है ओवर होल रेक्टेंगुलर नोच, ओवर होल रेक्टेंगुलर नोच। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो इंटीग्रेशन करें। और इसकी लिमिट होगी जीरो टू कैपिटल एच, जीरो टू कैपिटल एच, बोथ साइड इंटीग्रेशन। अभी क्या करें? यहाँ देखें CD, L एंड रूट टू जी, दिस आर द कॉन्स्टेंट। निकाले बाहर, चलो इसको बाहर निकाले, यानी बचेगा जीरो टू एच। ये है क्या है बच्चों? ये क्या है आपके पास? रूट एच। क्या है? रूट एच, यानी कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एच रेस टू वन हाफ। तो मैंने वैसे लिख दिया एच रेस टू वन हाफ इंटू डी एच। करें इंटीग्रेशन। क्यू यानी कि होल डिस्चार्ज मिल गया हमें ओवर अ होल रेक्टेंगुलर नोच। कैपिटल क्यू इक्वल टू सी डी एल रूट टू जी। और इसका क्या होगा बच्चों? एच रेस टू वन हाफ प्लस वन, और नीचे भी होगा वन हाफ प्लस वन, यानी कि ये हो जाएगा एच रेस टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू। अभी रखनी हमें लिमिट, यानी कि क्या हो जाएगा क्यू। और इसकी लिमिट रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ क्या होगा। पहली लिमिट रखे एच रेस टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, और नीचे तो जीरो ही है, यानी ये थ्री बाई टू है, उसको सीधा करें, यानी हो जाएगा टू बाई थ्री, टू बाई थ्री सी डी एल रूट टू जी इंटू कैपिटल एच रेस टू थ्री बाई टू। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तो काफ़ी ये पूछा जाता है बच्चों, और उसमें ये एमसीक्यू के ऑप्शन में यही सिर्फ चेंज करते हैं, ये टू बाई थ्री और थ्री बाई टू वाला अलग अलग चेंज करके आपको कंफ्यूज करते हैं। तो बच्चों गलती ना करें, इसको अच्छे से याद करें, इसको अच्छे से याद करके जाए क्या होता है इसका इक्वेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।